आज हम कक्षा दसवीं में हमारा रिवीजन शुरू हो गया है। तो जो अध्याय वन है, मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताए थे आपको। तो कुछ एक प्रश्न संतुलित समीकरण करने का भी आता है, जो रासायनिक समीकरण है उनको आप संतुलित कीजिए। तो प्रश्न रहेगा, आपको कुछ समीकरण यहाँ लिखे जाएंगे, आपको उनको क्या करना है, संतुलित करना है। जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या करनी है, बराबर करनी है। आप प्रयास कीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि हम सबसे छोटा जो अंक है 2 से हम ट्राई करते हैं कि किस प्रकार हम इसको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, इस पक्ष में अनुमान विधि है कि यहाँ H एक है और ये H गिनते कैसे हैं, पहले आप देखिए ये H है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, तो एक H है। अब प्लस करके देखते हैं कि H है और OH, तो ये कोष्टक बंद है तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2। 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है, 2, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो हम ऐसा करते हैं, 2 से वो करते हैं, ये हमने 2 करके देखा, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 और ये 2 4, और यहाँ पर 2 थे तो हमने ये 2 लिखा, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब चलते हैं हम नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा है, तो यहाँ भी देखिए आप, नाइट्रोजन NO3 है, तो ये नाइट्रोजन कोष्ठक बंद 2, इसका मतलब 2, ये संतुलित है। ऑक्सीजन देखिए 3, और यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2, 3 और 2 5, और यहाँ ऑक्सीजन है 3, इसका गुणा होगा 3 दूनी 6 और ये 2 8। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 8 है, देखिए 3 दूनी 6 और ये 2 8, तो ये समीकरण। और कैल्शियम चलते हैं, कैल्शियम भी 1 है और यहाँ 1 है, तो हम देखते हैं कि समीकरण हमारे थोड़े से अनुमान के प्रयास से समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आपको इस प्रकार अनुमान विधि से समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं और उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी मान लो हम किसी अम्ल से क्रिया करवाते हैं, H2SO4। तो आप देखेंगे ये एक द्विविस्थापन क्रिया होगी, और यहाँ पर बनेगा पानी, द्विविस्थापन नहीं होगी, यहाँ पानी बनेगा। अब इस समीकरण को भी हम प्रयास करते हैं, जैसे सोडियम 1 है और यहाँ इस पक्ष में सोडियम 2 है,
तो हम इसको पहले पेंसिल से लिख लेते हैं, तो हमने 2 लिखा, तो सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 परमाणु और 4 2 6 हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 5 है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ, तो हम मान लो यहाँ 2 लिखते हैं, 2s2, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 6, 2 4, और यहाँ पर भी 2 और 4 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और सल्फर 1 है, यहाँ भी 1। तो इस प्रकार समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये आपके पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्नावली में दिए हैं, समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हो ये छोटे प्रश्न हैं और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं खाने का जो नमक है NaCl, और ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसकी आपस में जब क्रिया होती है तो NaNO3 AgCl2 बनता है। ये AgCl आएगा, AgCl। अब हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं, तो देखेंगे सोडियम इस पक्ष में, पक्ष मतलब ये एरो लगा हुआ है, एरो के एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष। तो Na एक ही है, यहाँ भी एक है, Cl एक है, यहाँ भी एक ही है, Ag इस पक्ष में एक है, यहाँ भी एक है, एक परमाणु है, N भी यहाँ एक परमाणु, इस पक्ष में भी एक, O3 यहाँ भी O के 3 परमाणु है। तो ये समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो हमें ऐसा देख लेना है कि समीकरण कभी कभी संतुलित रहते हैं और उसके बाद फिर से पुनः उनको संतुलित करने के लिए दे दिया जाता है। अगला एक समीकरण मैं लिख रही हूँ, BaCl2 HCl। इस समीकरण को आप कोशिश करिए संतुलित करने की। बेरियम यहाँ एक है परमाणु, यहाँ पर भी एक, क्लोरीन के 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो मान लो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो क्लोरीन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं, तो हाइड्रोजन का पहले 1 था, लेकिन 2 लिखने से 2 परमाणु हो गए। S एक ही है और ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आपके रिवीजन में आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता तो पूर्व का जो वीडियो हमने डाले हुए हैं आपको, तो आप उनसे देख सकते हो कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, Thank you.
कुछ समीकरण आपको हम लिख रहे हैं, तो उनके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ एरो आएगा, ये जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ। ये जल आप ये शब्दों में लिखे हुए हैं, इनके सूत्र लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र आपको याद भी हो गया होगा कि जहाँ हाइड्रोक्साइड रहता है वहाँ OH जरूर आता है, तो CaOH होल्ड ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको प्लस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2 इज इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट रहेगा तो CO3, और जल जल मतलब पानी, इसका सूत्र है H2O। तो ये समीकरण तो लिख दिया, अब इसको हमें संतुलित भी करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का समीकरण। तो इसको देखते हैं, कैल्शियम इस पक्ष में एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन दो और दो चार, तो तीन और एक चार, ऑक्सीजन भी संतुलित है, हाइड्रोजन दो, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, कार्बन का एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन के यहाँ पर दो और दो चार, यहाँ तीन और एक चार। तो हम देखते हैं ये समीकरण ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। अब हम और भी इस प्रकार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्या होगा, फार्मूले लिखते बनेंगे, अधिक से अधिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक उदाहरण और दे रहे हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ये विस्थापन अभिक्रिया है, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर हिस्सा है। तो आप देखेंगे इसको हम कैसे, जिंक, जिंक एक धातु है और इसका संकेत होता है ZN। अब आपको संकेत और ये संकेत आपको नौवीं में पढ़ाए हैं कि जब किसी भी संकेत में दो अक्षर होते हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर चांदी Ag, और नाइट्रेट जहाँ भी आएगा वो क्या कहलाएगा, NO3, AgNO3। उसके बाद बनता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3, क्योंकि जिंक की संयोजकता कितनी है, दो है, तो इसलिए संयोजकता को अदल बदल कर लिखते हैं, और सिल्वर मतलब चांदी Ag। अब हमें देखना है ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। बहुत शुरू से देखिए, जिंक एक, यहाँ यहाँ जिंक एक, सिल्वर यहाँ एक, यहाँ सिल्वर एक, N यहाँ पर एक है चूंकि यहाँ पर दो हैं, O3 तीन है ऑक्सीजन के, और यहाँ तीन दूनी छः हैं,
तो क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट नाइट्रोजन दो हैं, तो यहाँ हमने टू लिखा। तो अब लेकिन जो सिल्वर है वो भी दो हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 2Ag। अब यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो ये 3 दूनी 6। इस प्रकार ये समीकरण अनुमान विधि से हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। और भी हम इसके आपको उदाहरण बतला रहे हैं, अभी हमने ये सब लिखे हुए थे शब्दों में, और भी हम लिख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम। आपको इनको लिखने से संकेत और सूत्र याद होते चले जाएंगे, मात्र लिखने भर से कॉपर क्लोराइड। तो यहां पर बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। धन कॉपर। अब इसके हम संकेत सूत्र लिखते हैं उत्तर में। एल्यूमिनियम का जो संकेत है वो Al, कॉपर क्लोराइड का जो सूत्र होगा वो होगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। आप देखेंगे CuCl2 इज इक्वल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंस संयोजकता 3 है और एक कॉपर अलग हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब इस समीकरण को संतुलित करना है, वही विधि अपनाएंगे। एल्यूमिनियम का एक परमाणु, यहाँ भी एक, यहाँ कॉपर का एक, यहाँ भी एक, पर यहाँ क्लोरीन के 2 हैं और यहाँ क्लोरीन के क्या हैं, 3 हैं। मान लो हम ये 3 करते हैं तो 3 दूनी 6, और यहाँ करते हैं 2 तो 3 दूनी 6, लेकिन एल्यूमिनियम 2 होगा तो यहाँ भी एल्यूमिनियम लिखा। कॉपर कितने हैं, 3, यहाँ 3 आएगा। हम देखते हैं ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसके बाद और भी हम उदाहरण लेते हैं, जिस प्रकार जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे उतना ही जल्दी से आपको समझ में आएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का संकेत है बी और क्लोराइड तो BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट Ba, जहां भी सल्फेट आता है वहां SO4 लिखना है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमने जो शब्दों में था उसको हमने समीकरण के रूप में लिख दिया। संतुलित करना है आपको,
तो वही यहाँ देखिए बेरियम का एक है, यहाँ भी इस पक्ष में एक ही परमाणु है। क्लोरीन दो, यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? तीन, एक जगह दो हैं और एक जगह तीन है। तो हमें दो से कहीं ना कहीं गुणा करना पड़ेगा, तो इस प्रकार या एक जगह हमें तीन से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये समीकरण क्या हो सकता है, संतुलित हो सकता है। यहाँ ऑक्सीजन 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। मान लो हम यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 3 Ba हो गया, क्लोरीन यहाँ हो गया 6, तो हम यहाँ पर 2। क्लोरीन एल्यूमिनियम भी संतुलित हो गया, सल्फर यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 हो गए सल्फर। इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गए। तो आप जितने ज़्यादा अभ्यास के प्रश्न करेंगे तो आपको सूत्र मालूम होते चले जाएंगे। धन्यवाद।